सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की टीम ने सेक्सटॉर्शन गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के लोगों ने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से प्रोफाइल बना रखी थी। उस प्रोफाइल से फेसबुक पर लड़कों से दोस्ती करते थे। इसके बाद लड़की बनकर उनसे गंदी गंदी बातें किया करते थे। बातचीत के दौरान यह एक अन्य मोबाइल से लड़की का अश्लील वीडियो चलाकर सामने वाले को कपड़े उतारने के लिए उकसाते थे। पीड़ित जैसे ही कपड़े उतारकर अश्लील हरकत करता था, यह वीडियो बना लेते थे और फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठते थे। आरोपी यूट्यूब के अधिकारी बनकर उगाही करते थे। यह गैंग बड़े ही शातिराना अंदाज में लोगों को अपना शिकार बना रहा था। इस गैंग का मास्टरमाइंड नासिर पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। बाकी 6 आरोपी फरार थे, जिन्हें हरियाणा के पुन्हाना क्रॉसिंग होटल से काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है। फरार आरोपियों पर 20,000 रुपए का इनाम था। अक्टूबर 2021 में पीड़ित के पास फेसबुक मैसेंजर पर एक पूजा नाम की लड़की का मैसेज आता है। पीड़ित लड़की को नहीं जानता था, फिर भी हेलो पूजा करके रिप्लाई कर दिया। लड़की ने भी हाई यू आर सो क्यूट करके रिप्लाई कर दिया। अपने आप को क्यूट सुनकर पीड़ित ने भी ओ रियली थैंक्स लिखकर अपनी खुशी जाहिर की। लड़की ने मोस्ट वेलकम लिखने के बाद सीधे पीड़ित से उसका व्हाट्सएप नंबर मांग लिया। पीड़ित ने खुशी खुशी अपना व्हाट्सएप नंबर अनजान लड़की को दे दिया था। उसके बाद वो अनजान लड़की फेसबुक से ऑफलाइन हो गई। देर रात पीड़ित के व्हाट्सएप नंबर पर उसी अनजान लड़की का कॉल आता है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रही हो? मैं पूजा बोल रही हूँ। कौन पूजा? सुबह ने टैक्स किया था। अच्छा, जो फेसबुक में टैक्स किया था आपने? नंबर हाँ, मांगा था ना मेरा? नंबर दिया था। जी जी जी। हाँ पूजा जी, बोलिए। इतना रात को कॉल किया, एक बार वीडियो कॉल कर सकती हो क्या अभी इस समय? हाँ। अच्छा ठीक है, कीजिए। आपको पर अनजान लड़की गंदी गंदी बातें करके पीड़ित को कपड़े उतारने के लिए उकसाने लगी। पीड़ित लड़की की बातों के जाल में फंस गया और अपने कपड़े उतारकर अनजान लड़की के कहे अनुसार गंदी गंदी हरकतें करने लगा। अगले दिन पीड़ित के पास उस अनजान लड़की का व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि यह वीडियो आपकी पूरी फेसबुक फ्रेंड्स और फैमिली को सेंड कर दूंगी। मैसेज के साथ एक वीडियो लिंक था। पीड़ित ने जब उस वीडियो को चलाया तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। पीड़ित ने तुरंत उस अनजान लड़की को कॉल किया। हेलो पूजा, कल रात जो हम दोनों ने वीडियो कॉल में बात किया, तो उस चीज को आपने क्यों रिकॉर्ड किया? मेरा वही काम है। ये क्या काम है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार, इतना भरोसा करके आपने तो पहले टैक्स किया था ना, आपने ही वीडियो कॉल करने के लिए बोला, मैंने तो नहीं ना वीडियो कॉल किया था। अभी आप वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके आप ब्लैकमेल कर रहे हो मेरे साथ। मेरा वही काम है, मुझे 1,20,000 दे दो, मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूँगा। क्या क्या 1,20,000 में कहाँ से दूँ यार, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? वीडियो डिलीट कर दो, तुम्हारा पूरा फैमिली को सोशल मीडिया में पूरा वीडियो वायरल कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 पूजा, ऐसा कभी भी मत करना, ठीक है? मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। आप प्लीज वीडियो को डिलीट कर दो, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आप मुझे 1,20,000 दे दो, आपका वीडियो डिलीट कर दूंगी मैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको देता हूँ पैसा, लेकिन वीडियो प्लीज डिलीट कर देना, प्लीज किसी को भी सेंड कर मत करना। मैं 1 घंटे में पैसा भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, 1 घंटे में नहीं, किसी को तुम्हारा वीडियो पूरा वायरल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी मत करना पूजा, प्लीज भरोसा करता हूँ। आपको चाहिए ना पैसा, मैं दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो को प्लीज किसी को सेंड मत करना। मैं पैसा सेंड करके कॉल कर रहा हूँ, 1 घंटे में कॉल कर रहा हूँ। हेलो पूजा, आपने जो अमाउंट बोला था मैंने सेंड कर दिया है, आप तो प्लीज वीडियो को डिलीट कर दो। पास लगातार पीड़ित के पास यूट्यूब अधिकारी बनकर अलग अलग नंबरों से कॉल आने लगी। दरअसल यह फर्जी अकाउंट था। बदमाशों ने लड़की के नाम पर पीड़ित की अश्लील वीडियो बना ली थी। इसके बाद पीड़ित को ब्लैकमेल करने लगे। आरोपियों ने खुद को यूट्यूब का अधिकारी बताकर लड़की के शोषण करने का आरोप लगाया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित से मोटी रकम मांगी। रुपये न देने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। डर से पीड़ित ने कई बार में लगभग 4,00,000 रुपए आरोपियों के बताए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित के पैसे देने के बाद भी आरोपी पीड़ित को और पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगे। क्राइम ब्रांच DCP रोहित मीणा ने बताया कि आरोपियों द्वारा बार बार ब्लैकमेल करने पर पीड़ित ने अक्टूबर 2021 में आरोपियों की शिकायत क्राइम ब्रांच में कर दी।
पीड़ित की शिकायत पर थाना क्राइम ब्रांच में धारा 386/507-120B के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच डीसीपी रोहित मीना ने सेक्सटॉशन गैंग का पर्दाफाश कर आरोपियों को दबोचने के लिए अरविंद कुमार, एसीपी क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की सुपरविजन व मंगेश त्यागी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एसआई रॉबिन त्यागी, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, रामदास, मिंटू यादव और प्रेमपाल की एक क्रेक टीम का गठन किया। पीड़ित ने अपनी शिकायत में किसी का नाम नहीं लिया था, इसलिए इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले ब्लैकमेलरों की पहचान करना था। जांच टीम ने आरोपियों द्वारा बनाई गई फेक फेसबुक पूजा नामक आईडी की टेक्निकल डिटेल की जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस की अथोराइज ईमेल से फेसबुक को मेल किया। फेसबुक से मिली जानकारी और टेक्निकल सर्विलांस की जांच से पता चला है कि आरोपी 100 से अधिक मोबाइल और फर्जी पतों पर लिए गए 1000 से अधिक सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। सभी नंबर उत्तर पूर्वी राज्यों, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और दूसरी जगहों से जारी किए गए नंबर हैं। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, पीड़ित को ब्लैकमेल करने वाली पूजा कोई लड़की नहीं बल्कि लड़कों का एक गैंग था। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी की टीम को जांच के दौरान यह भी पता चला कि ठगी व जबरन उगाही का सारा गोरख धंधा भरतपुर व आसपास के इलाकों से चल रहा था। साथ ही इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी की टीम ने देखा कि आरोपी ने पीड़ित को ब्लैकमेल करके 4 लाख रुपए कई अलग अलग बैंक खाते और मोबाइल यूपीआई में मंगवाए थे। बैंक अकाउंट और मोबाइल यूपीआई की जांच से इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी की टीम को पता चला कि आरोपियों के ज्यादातर बैंक खाते भरतपुर में हैं। क्राइम में इस्तेमाल बैंक अकाउंट की मदद से पुलिस अकाउंट होल्डरों तक पहुंचने में कामयाब हो गई। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी की टीम ने आरोपियों के बैंकों से संपर्क कर बैंक खातों की डिटेल निकलवाई और अलर्ट पर डलवाया ताकि आरोपियों द्वारा किसी भी एटीएम और ब्रांच से पैसे निकालने पर उनकी लोकेशन पता चल सके। बैंक खाता डिटेल से जांच टीम को पता चला कि आरोपी भरतपुर और आसपास के एटीएम से ही पैसे निकालते हैं। आरोपियों को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी की टीम ने भरतपुर में डेरा डाल लिया। एक दो दिन बाद 22 अक्टूबर 2021 को आरोपियों ने जैसे ही भरतपुर के एक एटीएम से पैसे निकाले एक अलग जांच टीम के पास पहुंच गया। जांच टीम ने बड़ी तेजी के साथ कार्यवाही करते हुए आरोपियों द्वारा पैसे निकालने वाले एटीएम को चारों ओर से घेर लिया। जांच टीम को मौके से नासिर नाम का एक सस्पेक्ट मिला। सख्ती से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि नासिर ही सेक्सटॉशन गैंग का मास्टरमाइंड है। उसके एक खाते से 2,39,000 रुपए, 3 माह पूर्व खरीदी गई एक नई बोलेरो गाड़ी व अन्य सामान बरामद हुआ। आरोपी ने पीड़ित से ठगी की बात कबूल कर ली। वह पहले खुद ट्रक ड्राइवर था। करीब 2 साल से वो इसी तरह ठगी कर मोटी कमाई कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में नासिर ने बताया था कि उसके गांव में ज्यादातर लोगों का धंधा साइबर ठगी है। कोई फर्जी पतों पर देश भर के अलग अलग राज्यों के जारी किए गए सिम कार्ड दिलवाता था। इसके अलावा कुछ लोगों ने देश भर के अलग अलग राज्यों में फर्जी पतों पर बैंक अकाउंट खुलवाए हुए थे। ठगी की रकम इन बैंक में पहुंचा दी जाती थी। बैंक का काम करने वाले 15-20% अपना कमीशन रखकर बाकी रकम ठगी करने वाले गैंग को दे देता था। अपराध शाखा की टीम ने नासिर से पूछताछ के बाद कुछ लोगों की पहचान कर ली थी। सेक्सटॉशन गैंग के मास्टरमाइंड नासिर की गिरफ्तारी से गैंग के अन्य लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी की टीम गैंग के बाकी सदस्यों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। फरार आरोपियों को दबोचने के लिए टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ मुखबिरों का जाल बिछा दिया। एक टीम सोशल मीडिया पर सेम मोडस ऑपरेंडी से एक्टिव लोगों पर नजर रखे हुए थी। इसी दौरान गैंग के फरार सभी आरोपियों पर क्राइम ब्रांच ने 20,000 रुपए का इनाम की घोषणा कर दी। आखिरकार 9 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद टीम के हाथ सफलता लग ही गई। दिनांक 4 मई 2022 को टीम के हेड कांस्टेबल संजीव कुमार को अपने विश्वसनीय सूत्रों से इनपुट मिला कि सेक्सटॉशन गैंग के वांडेट और इनामी मेवात निवासी 2 आरोपी आरिफ और अरशद अपने किसी परिचित से मिलने पुन्हाना क्रॉसिंग होडल हरियाणा में आने वाले हैं। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी की टीम ने आरोपियों को दबोचने के लिए पुन्हाना क्रॉसिंग होडल पर अपना जाल बिछा दिया। दोपहर लगभग 11:30 पर 2 सस्पेक्ट बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर बाइक सवारों ने यूटर्न लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने दौड़कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आरिफ और अरशद के रूप में हुई। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर टीम ने 4 और आरोपियों फरीद, आस मोहम्मद उर्फ आशु खान, शाकिर और मुफीद को भी दबोच लिया। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि नगर भरतपुर राजस्थान से काफी लोग ठगी व ऑनलाइन फ्रॉड में लगे हुए हैं। नासिर ने अपने पिता भाई के साथ इस गैंग को बनाया था।
आरोपी लड़की के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों के पास फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते थे। इन फर्जी अकाउंट पर किसी सुंदर सी लड़की का फोटो लगा दिया जाता था। लोग लड़की का फोटो देखकर उनके जाल में फंस जाते थे। नासिर लड़की बनकर खुद ही चैट करता था। बातचीत के दौरान यह एक अन्य मोबाइल से लड़की का अश्लील वीडियो चलाकर सामने वाले को कपड़े उतारने के लिए उकसाते थे। पीड़ित जैसे ही कपड़े उतारकर अश्लील हरकत करता था, यह वीडियो बना लेते थे। चैट खत्म होने के 10 से 15 मिनट के बाद पीड़ित के मोबाइल पर कॉल कर ये लोग खुद को YouTube के अधिकारी, अपराध शाखा, साइबर सेल व दूसरी एजेंसी का बताकर उगाही करते थे। गिरफ्तार 35 वर्षीय आरोपी आरिफ पुत्र गबरू खान ठगे गए पैसे निकालने के लिए फर्जी बैंक खाते और ATM कार्ड की व्यवस्था करता था। यह निर्दोष लोगों से रंगदारी वसूलने वाले धोखेबाजों को ATM से ठगी के पैसे निकाल कर देता था। अपराध करने में प्रयुक्त एक बैंक खाता इसके द्वारा उपलब्ध कराया गया था। दूसरा आरोपी 31 वर्षीय अरशद पुत्र मोरमल आरिफ का साथी था। यह भी ठगी के पैसे निकालने के लिए फर्जी बैंक खाते और ATM कार्ड की व्यवस्था करता था। अपराध करने में प्रयुक्त एक बैंक खाता इसके द्वारा भी उपलब्ध कराया गया था। तीसरा आरोपी 30 वर्षीय फरीद पुत्र इशाक YouTube अधिकारी, साइबर अपराध अधिकारी और अपराध शाखा अधिकारी बनकर पीड़ितों को कॉल करता था। यह बेगुनाहों को झूठे मुकदमों में फंसाने और उनका वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। चौथा आरोपी 60 वर्षीय आस मोहम्मद उर्फ आशु खान अपराध में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोनों की व्यवस्था करता था। इसने अपने बेटों नासिर और शाकिर को भी जबरन वसूली के धंधे में जोड़ लिया था। पांचवा आरोपी 22 वर्षीय शाकिर पुत्र आस मोहम्मद अश्लील वीडियो बनाने में शामिल था। साथ ही यह फेसबुक ID हैक करने में माहिर है। गिरफ्तार छठा आरोपी 28 वर्षीय मुफीद पुत्र ढांडू गैंग के अन्य सदस्यों को असम और ओडिशा आदि के फर्जी ID सिम कार्ड प्रदान करता था। सभी आरोपी भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।